उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सर्वथा निंदा करती है। और साथ ही हम यह मानते हैं कि इस प्रकार के शब्द हिंसा और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के स्पष्ट उदाहरण हैं। हम चुनाव आयोग से यह अनुरोध करेंगे कि वो इस विषय का संज्ञान ले और इस पर प्रभावी कार्रवाई करे। सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील उत्तर प्रदेश के वातावरण में चुनाव के समय में इस ढंग के घृणा फैलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता के प्रति अपशब्दों को आप प्रयोग करने वाले ऐसे बयानों के संदर्भ में चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से इस संदर्भ में अपनी औपचारिक शिकायत भी दर्ज करेगी। दूसरा विषय, ग्वालियर के पास भारतीय वायुसेना का जो हरकुलिस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसमें जो भी लोग हताहत हुए हैं, हम उस दुखद घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी हताहत व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और यह मांग करती है कि वायुसेना का जो इतना महत्वपूर्ण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो किन परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी भी जाँच की जाए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को जिस जिस प्रकार की फंडिंग प्राप्त होती है, चुनाव आयोग को वो सारी चीजों की जानकारी पाने का पूर्ण अधिकार है और सभी राजनीतिक दल उसको देते हैं। भारतीय जनता पार्टी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग को नियमित सभी प्रकार की वांछित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। किस सीट से कहां किसको लड़ना है, इस संदर्भ में अनेक प्रकार के सुझाव प्राप्त होते हैं और समाज के अन्य गणमान्य वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा भी सुझाव प्राप्त होते हैं, परंतु अंततः पार्टी सभी पक्षों पर विचार करके अपना निर्णय लेती है। अब तक शाम को प्रेस में देखेंगे। अब इस विषय में जो भी निर्णय होगा वो आप लोगों को उचित समय पर ज्ञात हो जाएगा। Let the final decision come from party, but we will put a formidable candidate in Amethi and Raebareli. देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही श्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए जो एक मॉड्यूल राजस्थान सरकार ने जानकारी दी थी, दो दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आतंकियों की गतिविधि की जानकारी मिली, आज ही जम्मू के कठुआ में आतंकवादियों का हमला हुआ है। चुनाव का यह समय बहुत ही संवेदनशील होता है और आतंकी शक्तियों की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है और खासकर ऐसे नेता जो कि बहुत संवेदनशील स्थिति में हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सुरक्षा की और सभी अन्य नेताओं की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।